जी अस्सलाम वालेकुम, NAN24NEWSHD के साथ मैं हूँ राणा महमूद। और आज हम जिस शख्सियत से मिलने आए हैं वो एक आम शख्सियत नहीं, ना बल्कि सियालकोट पूरे पाकिस्तान हर आदमी के कान में उनकी आवाज गूंज रही है। वो शख्सियत कुमन साहब हैं, जो कि आए दिन आपके लिए अच्छी तो अच्छी वीडियो बनाते हैं। और उनकी वीडियो ना हम सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि उनकी वीडियो से हमें बहुत सी सबक मिलता है। तो आइए मिलते हैं अवैध सामन कुमन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अवैध साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको ये टिकटॉक का शो कैसे पता? सब तो पहला तो NAN24NEWSHD का मैं शुक्रिया अदा करना कि तुम अपने चैनल के उत्ते इंटरव्यू किया, थोड़ा शुक्रिया जी, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। सो थोड़ा सवाल है कि टिकटॉक का मतलब आगाज कि तू किया? आज तू 5 साल पहला जी टिकटॉक का मैं आगाज किया जी। जी आपको शो कैसे पता? आप ये भी कोई काम कर सकते थे जी? दरअसल मैं ये गल आना वा कि अल्लाह पाक की जात की अता होंगी है, गॉड गिफ्ट होंगे कि जेडे काम वास्ते बंदा सोचता है या कोशिश करता है फिर अल्लाह वास्ते असबाब भी उन्हें ही पैदा करता है। सो मेरा शौक से बचपन के विच अपनी पहचान पैदा करने का कि मेरा एक नाम पैदा हो और मेरे बाप का नाम जिंदा रहे। अलहमदुल्ला अपने पहचान वास्ते अपने नाम वास्ते कोशिश की थी और अल्लाह पाक की जात ने तरक्की दी थी। सुकुमार साहब, आपकी तरीन कितनी है? मैट्रिक जी। ठीक है, तो आपकी जो अपना यूट्यूब की इनकम, ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि कितनी है, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि इसके अलावा आपको और कोई काम करने की जरूरत है? दरअसल वो एक अन्य सवर है जो भी ना मापिया जो भी वेल ही रहने से आपिया जो भी सो सामी और कुछ भी थी वेल लगा जो और कुछ करी ना वेल है कुछ और करें दा लेकिन इतनी चोट छोट दी नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत का शोभा दिता है, अल्लाह ने एक अच्छा तारफ दिता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरे वास्ते काफी है कि मैं अवाम उन्नास की खिदमत करता रहा जी। मुझे ये बताएं कि आपको इसके अलावा और भी कोई आपका भी काम है या नहीं? मिसाल तौर पर जिम्मेदारा होगा या कोई स्पोर्ट का काम या इसके अलावा कोई नौकरी वगैरह भी? जी जे जुलाई खड़ी वाली लान गए तो की करेंगे, जो जट जिम्मेदार जिम्मेदार मानते तो की करेंगे? तो सा गद्दी पुछती काम जिम्मेदार आइए तो अलहमदुल्ला जिम्मेदार जटा के घर है तो जिम्मे वाला काम ही है साडा, तो पबदा भी है जी, बाहर गए हैं यूरोप गए हैं उसे भी जाकर जिम्मेदारे का काम सामू लगा भी असा होटल का काम छड़ के जिम्मेदारे के काम एक्सेप्ट किया जो उसे भी यही काम किया अलहमदुल्ला। अच्छा, वैसे मुझे ये बताया कि आप माशाल्लाह अल्लाह के घर से भी होते आए हैं अलहमदुल्ला, और उधर से जब वापस आए तो आपके आपने चंद जो वीडियो आपने हमने देखी है जी जी, उनमें से आपने एक आवाजा वगैरह भी आपके पास रखा हुआ था, उसकी क्या वजह थी? मेरे को देखो जी हर रंग के जी आते हैं, बाजिया वाले भी आते हैं, ढोलकिया वाले भी आते हैं, कोई तुवार भी तुवार हर रंग के जी आते हैं, किसी को इनकार नहीं किसी को ना नहीं, वो जगह असा आके कोई हाजरी दे नहीं दस टाइम दस दस मिनट उन्हें आवाजे के नाल अपना आके अपना गीतक भरया कलाम जरा उ पेश किया, उन्हें कोई कलाम सुनाया असं बह के सुन लिया और असं आवाजे नहीं बजाते लंबा। अगर मुझे ये बताया कि स्टार में आपने हर एक की कास्ट पे जो ना एक वीडियो बनाई थी, अभी उसको आपने छोड़ दिया क्या, इसलिए कहने को छोड़ा है या फिर भी आपने इसको अपना जो चेंज कर लीजिए? बल बलिया नहीं दरिया रही गए, अब छुट्टी नहीं कभी बेच कानिया दे किसी भी आखिया कभी कोई मुड़िया नहीं, जो मुड़िया है वह अपने अंदरों वो गल उठी है तो फिर ही मुड़िया तो जो किसी ने कोई काम का आगाज किया या शुरुआत की उन्हें हजार बार कोई आखिया काम कर है काम कर जिनी देर तक वह अपना अंदर नहीं कहना अपना अंदर नहीं आवाज देता क्या काम कर उन्नी देर तक वो काम करेगी तो ठीक तरीके नहीं कर सकता। सो तो सवाल का जवाब दे दे कि मैं किसी के कहने के उत्ते ऐसा वीडियो बनानिया नहीं छड़िया या जोड़िया वीडियो बनाना पाया एक किसी के कहने पर नहीं बना पाया, ये मेरे अपने अंदर की आवाज होंगी है अपने अंदर की बात होंगी जी मैं अपन गलों के नाल वेखने वाली आवाम अपने प्यारे सामीन के सामने पेश कर। अच्छा, मुझे ये बताया कि इसके अलावा आपको पॉलिटिक्स यानी सियासत का भी शौक है? देखो सियासत गुनाह नहीं, सियासत की इबादत है अगर साफ सुथरे तरीके की जाए, फिलहाल मेरा सियासत चाहने का कोई प्लान नहीं, दूर दूर तक मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं फिलहाल अगर ऐसा कोई सवाल हों भी सियासत आने वाला या अगर सियासी को सपोर्ट करने वाला तो मैं उस सवाल के उत्ते खामोशी इख्तियार करना जी। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा था कि जैसे आज जैसे जो ये उका वगैरह और पगड़ी वगैरह ये और
آئے گیری کی خدمت وغیرہ یہ تو عام سیاسی دور میں چلتا ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس کا سیاست کا شوق ہے یہ دراصل دیکھو سیاسیوں نے اگر کسی کی خدمت کرنی جی تو لالچ میں کرنی ہے کہ سن ووٹ ملے گا سو میں جی خدمت کرنا وا یہ بے لوس کرنا بغیر مطلب تو بغیر لا لیں تو اپنا فرض سمجھ کے کرنا جہاں بھی میرے کو لمبا ہے میں اگر انہوں کھانا کھوانا تو میں سمجھنا کہ میں اپنے پلے نہیں کھوانا اللہ نے جتنے بھی کھوانا سو میرا کو نہیں کھانا جو بھی آنے والا کھانا اپنے مقدر کھانا وہ جو بھی آ کے رزق کھانا وہ نہ رزق لے کے آیا ہوں یعنی کہ جو دانا وہ اپنے منہ پاؤنڈا وہ مور لگی ہوں رزق لیا ہوں سو میرے کو آ کے وہ کھانا باقی اللہ پاک بھی زیادہ شکر ادا کرنا کہ اللہ نے منو ایسے جگہ کیتا ہے کہ میں آیا گیا بھی خدمت کرنا جی سر کمر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ کی ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ نے کہا کہ یہ لگا اسٹیٹس اور لگا اسٹیٹس سدا ہس دیا پہ موت منا کر سو یہ جڑا اسٹیٹس ہے تو نفل میں چند لیکن یہ ایڈی حقیقت ہے کہ جدو تسی ہسدے ہو مسکرا ہو تو جہے تاسد ہوں انہوں کی پھر موت واقع ہو جاتی ہے جہے مخالفین نے منافقین نے وہ پھر مر جاتے ہیں اس گل کے ویسے یہ اسٹیٹس آم میں گفتگو کی تھی لیکن جنہیں جنہوں نے دل کے اتنے گل نے اثر کیا جہے گل کے تہ تک پہنچے ہیں انہوں نے اسٹیٹس بھی لائے پھر ویڈیو وائرل بھی ہوئی الحمدللہ جی جو ہم صاحب ان کا کہنا ہے کہ اس پریشانی کے دور میں لوگوں کے چہرے پر خوشیاں بانٹتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی رانا نوٹ کو اجازت دیجیے اللہ رحمت